नमस्ते, कैसे हो आप सब? आई नो आप सब बेटर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ आज की वीडियो। आज की वीडियो है अपने फेस को वीकली आप कैसे केयर करते हैं। अभी मैंने चेहरे पर आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, मैंने अपने चेहरे को वॉश किया है इससे और मैं 2 से 3 ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करूँगी जिसके साथ आप वीकली केयर कर सकते हैं अपने फेस को। और इसके से होता क्या है, इसकी बेनिफिट ये है कि आपके चेहरे का जो डल स्किन है वो रिमूव होगी, साथ में आपके चेहरे में जो अंदरूनी चमक है वो बरकरार रहेगी, आपका नेचुरल ग्लो दिखेगा, आपका बहुत सारे जो आपका पिंपल्स, दाग, धब्बे, झाइयाँ ये सब जो हैं वो धीरे धीरे रिमूव होती जाएगी और आपका फेस एकदम ग्लो करते जाएगा, जो कि धीरे धीरे करके आप जैसे ही वीकली यूज़ करते जाएंगे इसे आपका चेहरा एकदम चमकता जाएगा। जैसे घर की सफाई होती है ना, वीकली से ही अपने चेहरे की भी सफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी मैंने ऑयलिंग किया है तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ आज की वीडियो। आज की वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नीचे कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि मेरे साथ आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने चेहरे को वॉश कर लिया है मैंने, इसके बाद मैं बताती हूँ मुझे आप। उसके बाद आप अपने चेहरे को क्लीन करने के बाद आप एक लूम वाटर ले लीजिए, उसमें एक तौलिया को आप उसमें ड्रैप करके अपने फेस पर इस तरह से आप रख लीजिए। बैकग्राउंड से अगर थोड़ी सी आवाज आती है तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा, बच्चे हैं खेल रहे हैं। दो मिनट तक इस तरह से आप अपने चेहरे पे इस तरह से आप जो तौलिए को इस तरह से करने के बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे क्या होगा, चेहरे का आपका स्ट्रीम की तरह आपका चेहरे में ये काम करेगी, आपके चेहरे का जो ओपन पोर्स हैं या गंदगी है वो सब आप निकाल लेते हैं, एक नेचुरल ग्लो आ जाएगी आपको। उसके बाद मैं ये ले रही हूँ हिमालय का स्क्रब, आप इसे स्क्रब को यूज़ कीजिए। आप थोड़ा सा भी ले सकते हैं। आप 2 से 3 मिनट आप अपने फेस में स्क्रब कर लीजिए। स्क्रब करने से होता है फायदा कि आपके जितने भी डर्ट स्किन है वो पूरी तरह से रिमूव हो जाएंगे। और अभी आपने जो एक तरह से स्टीम लिया था ना, उससे आपके चेहरे का जो भी डलनेस है या ओपन पेट टू ओपन हो जाएगी, आपके जितनी भी गंदगी है सारी इससे बाहर हो जाएगी। तो चलिए इसे साफ कर लेते हैं। तो चलिए मैंने अभी स्क्रब को निकाल लिया है और अब चलिए बढ़ते हैं तीसरे स्टेप के बारे में। तो तीसरा स्टेप हिमालय का ही आपका नीम फेस पैक है जिसे अब मैं लगाती हूँ। मैं इसे हैंड पर ही लगाकर दिखा रही हूँ आपको, आप चाहिए तो ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं, मैं इसे हाथ से ही लगा लूंगी। अब इसे पूरे चेहरे पर मैंने लगा लिया है। 10 मिनट बाद मिलती हूँ आपसे और इसे 10 मिनट बाद रिमूव करेंगे। अभी मैंने फेस पैक रिमूव कर लिया है, स्किन बहुत अच्छी लग रही है मेरी। तो अब चलिए लास्ट स्टेप करते हैं। तो लास्ट स्टेप यहाँ एलोवेरा जेल है जिसे मैं मॉइस्चराइजर के लिए यूज़ करेंगे। आप अगर कोई और मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको इसका फ़र्क दिखा या नहीं। नहीं दिखा तो मैं यहाँ एक पिक लगा दूंगी
पहले और आफ्टर के बीच, और सॉरी आफ्टर एंड बिफोर के बीच आपको, और आप बताइएगा कि ये 4 स्टेप करने के बाद कैसा लगा मेरा फेस आपको। और आप प्लीज़ एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ एक जरूर सा फीडबैक शेयर कीजिएगा। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।